हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू कमर्शियल एक्टिविटीज दैट गो बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री से मतलब है अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। सो जो कमर्शियल एक्टिविटीज अक्रॉस द बॉर्डर्स होती है, दे आर टर्म्ड एज इंटरनेशनल बिजनेस। कमर्शियल एक्टिविटीज़ में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पर्सनल, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नॉलेज एंड कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, ये भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इंक्लूड्स मिनिमम टू कंट्रीज। इंटरनेशनल बिजनेस में मिनिमम जो दो कंट्रीज है उनके बीच में ट्रांजेक्शन्स होता है। देन सेकेंड वन इज यूज़ ऑफ फॉरन करेंसी। इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसीज होती है वो इन्वॉल्व होती है। सो जो इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। सो दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर कंट्री। चाइना जो है इस समय वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है। इसके पास तकरीबन $3 trillion फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट्स दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस मतलब डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, क्लाइमेट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। सो इंटरनेशनल मार्केट में जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता है वो डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। देन नेक्स्ट इज लीगल ऑब्लिगेशन। हर कंट्री के अपने फॉरेन ट्रेड लॉ होते हैं। सो जो कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस करती है वो दूसरी कंट्री के जो ट्रेड लॉज होते हैं, फॉरेन ट्रेड लॉज होते हैं, उनको कंप्लाई करती है, उनको फुलफिल करती है। मोर ओवर इन द केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स देयर इज़ अ मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो इंटरनेशनल बिजनेसिस में, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट इज हाई रिस्क। इंटरनेशनल बिजनेसिस में जो डिग्री ऑफ रिस्क होता है वो काफ़ी हाई होता है। These businesses, they require a large amount of resources, both in terms of money and manpower for carrying out its operations. Sometimes different economies face unfavorable conditions which affect the business conditions. So unfavorable conditions, जैसे कि political instability हो गई किसी country में, या economic disruption like inflation हो गया, balance of payment problem arise हो गई। So ये जो problems होती है, ये जो unfavorable conditions होती है, ये भी international business को affect करता है। Then next is time consumption. So the time interval from sending and receiving goods till payment is longer than that of domestic transaction. So international business mein jo time consumption hota hai wo zyada hota hai. Then next is multiplicity of documents. International business mein jo companies hoti hai they require a large number of documents. Documents are like commercial invoice, shipping bill, certificate of origin, inspection and insurance certificate etc. So there is a series of documents followed right from the point when an order for goods is received by exporter till the time when they are finally delivered at their destination. Then next is lack of personal contact. International business mein there is a lack of direct and personal contact between importers and exporters. So these are the features of international business. Next is advantages of international business. अब हम देखते हैं कि क्या advantages हैं international business के। जब कोई company जो है वो international level पे business करती है तो उसको क्या क्या advantages मिलते हैं। So first one is increased revenue. जब companies जो international business करती है उनके revenue जो होते हैं वो increase करते हैं as compared to the companies which are trading in the domestic country only. The customers of the multinational companies, they are more because they have customers all over the world and their reach to customer is higher than the domestic companies. This lead to higher selling of goods in the global market and ultimately jo revenue hota hai wo company ka wo increase karta hai. Then next is reaching new customer. Jo clientele hota hai international companies ka वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कंपनीज विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर होम कस्टमर्स ओनली। द MNCs दे हैव अ लार्ज कस्टमर बेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। MNCs रीच कस्टमर एट अ ग्लोबल लेवल बिकॉज दे एक्सपेंड देयर बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज। प्रोडक्ट्स ऑफ MNCs आर रीच टू द कस्टमर्स ग्लोबली। सो इंटरनेशनल बिजनेस में जो मार्केट होती है कंपनीज की वो ज़्यादा होती है, कस्टमर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द डोमेस्टिक
मार्केट। देन एक्सेसिंग न्यू टैलेंट, किसी भी कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है उसके इम्प्लॉयज़ पे, उसकी मैनेजमेंट पे जो उसके लिए काम करते हैं, जो उसके बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। जब कंपनी इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपैंड करती है तो दैट गिव देम मोर एक्सेस टू टैलेंटेड वैल्यूएबल इम्प्लॉयज़ एंड बिजनेस पार्टनर्स हु हेल्प इन टेकिंग द एंटरप्राइज टू न्यू हाइट्स। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है दैट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एट इट वर्क्स इन द डिफरेंट कंट्रीज एंड यूज द रिसोर्सेज ऑफ ऑल द कंट्रीज दे आर वर्किंग इन। दिस लीड्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एवरी कंट्री विच इज़ प्रोड्यूसिंग द गुड्स आर प्रोड्यूसिंग इट एट मैक्सिमम एडवांटेज। सो इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनीज जो होती है वो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन करती है। रिसोर्सेज से यहाँ मतलब है रॉ मटीरियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, लोग हो गए, पर्सनेल हो गए। तो इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनीज जो है वो इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है। द नेक्स्ट इज़ बेनिफिट टू कंज्यूमर्स। सो इंटरनेशनल जो बिजनेस है दे आर मोर बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स को जो है चॉइस मिल जाती है बिटवीन इंटरनेशनल गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स। तो वो अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, देयर प्रेफरेंस, क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स चॉइस कर पाते हैं कि उनको कौन सा गुड्स जो है वो बाय करना है। देन प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्ट हुज डिमांड इज़ लेस इन डोमेस्टिक मार्केट देन इट कैन बी सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट इफ देयर इज़ अ डिमांड फॉर इट इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो द कंपनीज हैव टू फाइंड कंट्रीज इन विच द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट इज़ हायर एंड दे कैन ऑल्सो सेल इट ऑन द higher prices if there is a high demand. So it can also offer a wide range of products in the global market. So company ko jo hai wo product flexibility international markets mein zyada milti hai. Then brand image, international business jo hote hai wo company ki jo product hota hai uski brand image ko increase kar dete hai. If the company deals in the international market and target the customers of the different countries globally, then the brand name is popularized among the countries and it enhances the brand image in the foreign market. Image of the brand is enhanced by international growth and the rapid market boost lead to brand image development. It can also lead to expansion of property, copyrights and trademark to new countries. So, जो international businesses है वो product की, किसी company के product की brand image को बढ़ाते हैं. So, these are the advantages of the international business. Next, हम पढ़ते हैं difference between domestic business and international business. कि domestic business और international business में क्या difference है. So first difference is geographical scope. Domestic business geographic scope is within the national boundaries of the domestic country. So jo domestic business hai unka scope jo hai wo national boundaries tak hi rehta hai, whereas in case of international business geographic scope jo hai that varies from national boundaries of a minimum of two countries up to a maximum to the entire globe. Next is operating style. Domestic business operating styles like production, marketing, investments, R&D etc. is limited to the domestic country. Whereas international business ke case mein jo operating style hota hai that spread to the entire globe. Next, environment. So domestic business mostly analyze and scan the domestic environment, whereas international business they analyze the and scan the relevant international environment. Environment से यहाँ पर मतलब है political environment, social environment, cultural environment, technological environment किसी country का. So international business के case में जो companies होती है वो हर country के environment को analyze करती है, scan करती है, then accordingly जो product है वो वहाँ उस country में offer किया जाता है. Then है quotas. The quotas imposed by various countries on their export and imports not directly and significantly influence the domestic business. Whereas the international business, they have to operate within the quotas imposed by various countries on their export and imports. Quota से यहाँ मतलब है जो quantitative restrictions होती है import and export पे. तो कई जो countries है वहाँ की government जो है वो quota impose करती है export and import पे. So international business में जो काफ़ी countries होती है वो quotas रिस्ट्रिक्शन होती है उन कंट्रीज़ में, और कंपनीज जो है वो अकॉर्डिंगली जो गुड्स है वो वहाँ पे सेल करती है. देन टैरिफ, टैरिफ्स मतलब होता है टैक्सेस. सो द टैरिफ रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़
डू नॉट डायरेक्टली एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डोमेस्टिक बिजनेस. सो जो टैरिफ रेट्स होते हैं, टैक्स रेट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो डोमेस्टिक बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते. वेयर एज द टैरिफ रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज डायरेक्टली एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल बिजनेस. देन हैव फॉरन एक्सचेंज रेट. फॉरन एक्सचेंज रेट्स एंड देयर फ्लक्चुएशन डू नॉट डायरेक्टली एंड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डोमेस्टिक बिजनेस. But in case of international business, so these foreign exchange rates and their fluctuation, they directly and significantly affect the international business. Foreign exchange rates होता है जो countries की जो currency की value होती है, उनको foreign exchange rate कहा जाता है. जब इनमें fluctuation होती है, मतलब currency की value बढ़ती है या कम होती है, तो वो जो fluctuation होती है, that affect the international business. Then है seventh is culture. Mostly domestic culture of the country affect the business operations including product design, whereas in case of international business, the culture of various countries affect the transactions, affect the business operations including product design of international business. So जो किसी country का जो culture होता है वो भी जो है उस कंपनी के जो बिजनेस को इफेक्ट करता है. कंपनीज अकॉर्डिंगली, कंट्री का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं. देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स. डोमेस्टिक बिजनेस इज़ नॉट नॉर्मली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स ऑफ द कंट्री, वेयर एज इंटरनेशनल बिजनेस इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर ऑफ वेरियस कंट्रीज. दे नीड टू फॉलो दीज प्रोसीजर्स. देन लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. Domestic business normally employs the people from the same country. Therefore, the task of human resource management is not much complicated, whereas international business normally employ the people from various countries. Therefore, the task of human resource management in case of international business, that is much complicated. So, this is the difference between domestic business and international business. So learners, this is all about the this session. Next session में हम पढ़ेंगे different modes of entry into international business, कि companies किस किस प्रकार से international business में enter करती कर सकती है. So till the next session, bye and happy learning.